हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एमयू ट्रेल डेट प्रोसीजर क्या है, यानी कि थ्री फेज लोको, यानी कि WHG9, WFP7 और WFP5 लोको है, उसमें ट्रेलिंग लोको यानी कि स्लैब लोको को डेड बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, इसका सही प्रोसीजर क्या है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप एक बार वीडियो देख लीजिए तो मात्र 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में आप आराम से इजी वे में आप ट्रेलिंग लोगों को डेट बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट मालूम कर लेते हैं कि डेट बनाने का जरूरत ही क्यों है। तो इसका दो रीजन हो सकता है। एक तो ट्रेलिंग लोगों यानी कि स्लैब लोगों जो है वो किसी भी कारणवश फेल्योर हो गया, यानी कि किसी कारण से पीछे में प्रॉब्लम आ रहा है जिससे कि उसको ले जाना मुश्किल है, तो वैसा कंडीशन में उसको डेट बनाना पड़ता है। यदि पीछे लोगों को आप डेट नहीं बनाए तो आप लीडिंग लोगों द्वारा भी उसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कन्वेंशनल लोगों में और थ्री फेज लोगों में यही डिफरेंस है कि यदि आप पीछे लोगों या आगे लोगों किसी में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जब तक डेट उसको नहीं बनाते हैं तो उसको मुश्किल है लेके जाना। लेकिन कन्वेंशनल में वाली तो पेंट और लोअर भी कर दिए तो आगे काम चलते रहता है, आगे लीडिंग लोगों द्वारा आप आराम से लेके जा सकते हैं। तो पहला एक रीजन ये हो गया कि ट्रेलिंग लोगों में किसी भी कारणवश यानी कुछ भी फेल्योर है तो कारणवश उसको डेट बनाना है। और दूसरा रीजन हो सकता है कि लाइट लोड कोई ट्रेन लेके जा रहे हैं, यानी कि एम्प्टी ट्रेन लेके जा रहे हैं, तो एनर्जी कंज्यूम कम करने के लिए, एनर्जी सेव करने के लिए पीछे लोगों यानी कि ट्रेलिंग लोगों को, स्लैब लोगों को डेट बनाना है। तो ये दो कारणों से पीछे लोगों को डेट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही प्रोसीजर क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। स्विच ऑफ MCE इन बोथ लोगों विथ BLK, यानी कि गाड़ी को रुकने के बाद फर्स्ट हम DJ ओपन करेंगे लीडिंग लोगों का और पेंटो लोअर करेंगे, उसके बाद हम BLK द्वारा स्विच ऑफ करेंगे यानी कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि C ऑफ करेंगे एज फॉर प्रोसीजर, जैसे कि D2 ऑफ, ऑफ टू C, C2 ऑफ, ऐसे करके स्विच ऑफ कर लेंगे। उसके बाद हम ट्रेलिंग लोगों में जाएंगे, ऐसा नहीं किए तो पीछे लोगों को जो अपडेट बनाइएगा तो आगे लोगों में भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए फर्स्ट हम लीडिंग लोगों का C यानी कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करेंगे, उसके बाद हम पीछे लोगों जाएंगे और पीछे लोगों भी C ऑफ करेंगे, यानी कि बोथ लोगों क्या करना है, C ऑफ करना है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ कर देना है एज फॉर प्रोसीजर। इसके बाद हम ट्रेलिंग लोगों में MCB जो है SV2 पैनल में 112.1 यानी कि 112.1 उसको हम ऑफ करेंगे, ऑफ पोजीशन। ये बैटरी का MCB है जिसे कि हमको ऑफ कर देना है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, और इसके साथ साथ आप चाहे तो 110 जो है उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी ऑफ किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम रिलीज करेंगे पार्किंग ब्रेक को, पार्किंग ब्रेक को हम मैनुअली रिलीज करेंगे। तो मैनुअली रिलीज करने के लिए ये ओनली ट्रेलिंग लोगों का ही अब काम करना है। तो पार्किंग ब्रेक को रिलीज करने के पहले हम न्यूमेटिक पैनल में जो सोलेनाइड 30 वाल्व है उसमें अप्लाई प्लंजर को फर्स्ट हम अप्लाई करके उसे लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद हम नीचे में जा करके मैनुअली उसके लीवर क्विक रिलीज को खींच करके रिलीज करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आप ऐसे ही पार्किंग ब्रेक को BBPB के द्वारा आप रिलीज कर दिए या ऐसे बिना अप्लाई में ही रिलीज कर दिए नीचे से मैनुअली, तो कुछ दूर जाने के बाद उसमें मॉइस्चर आएगा और उसके बाद कुछ प्रेशर आकर के उसको फिर से अप्लाई हो जाएगा, यानी कि पार्किंग ब्रेक अप्लाई होने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम आगे में क्रिएट ना हो इसलिए हम अप्लाई में लॉक करेंगे, और लॉक करके नीचे से मैनुअली हम लीवर यानी कि जो क्विक रिलीजिंग जो है यानी कि लीवर के द्वारा हम फिर से रिलीज कर लेंगे। तो पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाने के बाद हम इसके बाद हम क्लोज BC इक्वलाइजिंग पाइप एंगल कॉक
बिटवीन लोको, बीसी इक्वलाइजिंग पाइप जो है दोनों लोको के बीच में, उसको हम क्लोज कर देंगे। इसके साथ साथ हम इंश्योर करेंगे कि एमआर इक्वलाइजिंग पाइप जो है कनेक्ट है या नहीं है, वो कनेक्ट में होना चाहिए, और इसका एंकल कॉक जो है ओपन में होना चाहिए। ये जो बीसी इक्वलाइजिंग पाइप जो हम क्लोज करेंगे, उसके साथ साथ ये एमआर इक्वलाइजिंग पाइप जो है ओपन कंडीशन में है कि या नहीं है, ये ओपन में होना चाहिए, और उसका पाइप भी एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए। आप जानते हैं कि दो लोगों के बीच में चार पाइप रहता है, बीसी इक्वलाइजिंग पाइप रहता है, एमआर इक्वलाइजिंग पाइप होता है, और एफपी कराता है और बीपी कराता है। तो उसमें हमको एक बीसी का क्लोज करना है और एमआर ओपन में है या नहीं ये सुनिश्चित कर लेना है, देख लेना है, ये ओपन में होना चाहिए। क्योंकि F1 सिलेक्टर वाल्व के द्वारा MR इक्वलाइजिंग के द्वारा ही दूसरे लोको यानी कि पीछे लोको ट्रेलिंग लोको में भी प्रेशर जाता है, इसलिए ये ओपन में होना सुनिश्चित कर लेना जरूरी है, और ये ओपन में होना चाहिए। अगर ये ओपन में रहेगा MR इक्वलाइजिंग, तो आपको पीछे लोको यानी कि स्लैब लोको में 47 कॉक जो है डेड लोगों के लिए, उसको आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, यही चीज ध्यान में रखना है। प्रीमियर लोगों में जब पीछे लोगों में एमआर इक्वलाइजिंग पाइप कनेक्टेड है, ओपन में है, वैसे कंडीशन में आपको 47 कॉक को ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको सुनिश्चित कर लेना है कि ओपन में होना चाहिए। इसके बाद हम इसके कॉक पोजीशन जो रहता है उसको भी आपको बंद करना है। तो उसका कॉक पोजीशन का स्थिति क्या होनी चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसको भी देख लेते हैं। अब ये जो ट्रेलिंग लोको है एमयू का थ्री फेज लोको में, इसमें दो ब्रेक सिस्टम हो सकता है, यानी कि E70 ब्रेक सिस्टम वाले भी लोको हो सकता है, और ट्रेलिंग लोको का आपको CCB 2.0 यानी कि नॉर ब्रेक सिस्टम वाला भी लोको हो सकता है। तो हम दोनों के बारे में जान लेंगे ताकि कि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक कॉक होता है 70 जो कि बीपी चार्जिंग का कॉक होता है, तो उसका कॉक का पोजीशन क्या होगा, क्लोज होगा, यानी कि E70 ब्रेक सिस्टम में होगा ये क्लोज, यानी कि इसी में ही एक कॉक रहता है E70 ब्रेक सिस्टम में, और नॉर ब्रेक सिस्टम में नॉट प्रोवाइडेड, तो इसमें कॉक होता ही नहीं है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि 70 कॉक है तो ये क्लोज में कर लेना है। और 74 कॉक जो होता है इमरजेंसी विजिलेंस का, उसे भी आपको ट्रेलिंग लोको में क्लोज कर लेना है, और वहीं CCB 2.0 नॉर ब्रेक सिस्टम होगा उसमें भी आपको क्लोज में ही रखना है। और कॉक होता है 136 जो कि एफपी का, तो वो ट्रेलिंग में वो क्लोज में कर लेना है, और वहीं CCB 2.0 होगा तो भी आपको क्लोज में ही रखना है। ये जो 47 कॉक जो है ये क्लोज में रहेगा बोथ लोको, यानी कि CCB 2.0 हो नॉन ब्रेक सिस्टम या E70 ब्रेक सिस्टम हो, तो ये क्लोज में ही रखना है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका MU ट्रेल डेड है उसमें ऑलरेडी MR इक्वलाइजिंग पाइप कनेक्टेड है और ओपन में है, वैसा कंडीशन में जरूरत नहीं है 47 कॉक को क्लोज यानी कि ओपन करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा F1 सिलेक्टर वाल्व के द्वारा ऑलरेडी MR इक्वलाइजिंग पाइप के द्वारा दूसरे लोगों में भी प्रेशर जाता है, और सभी काम सुचारू रूप से यानी कि अप्लाई और रिलीजिंग सब बराबर होते रहते हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। लेकिन MR इक्वलाइजिंग पाइप जिसमें कनेक्ट नहीं रहेगा, या किसी कारणवश आप दोनों लोगों के बीच में आप क्लोज कर लेते हैं, यानी कि कुछ लीकेज है या कुछ पाइप भी फट गया है या कुछ भी दिक्कत आ रही है, वैसा कंडीशन में आप MR इक्वलाइजिंग पाइप जब क्लोज कर देते हैं दोनों लोगों के बीच में, वैसा कंडीशन में ही आप ओपन कीजिए, क्योंकि 47 कॉक जो है बीपी के द्वारा उधर सप्लाई जाएगा और वो चार्ज होगा और बाकी ब्रेक सिस्टम जो काम करेंगे। लेकिन जब ऑलरेडी MR इक्वलाइजिंग पाइप कनेक्टेड है, ओपन है, तो MU ट्रेल डेड जो है यानी कि स्लैब लोको, उसमें 47 कॉक
ओपन करने की जरूरत नहीं है। यही चीज ध्यान देने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम इसके A9 और SA9 का हैंडल पोजीशन क्या है वो भी जान लेते हैं कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो A9 हैंडल जो है, स्टेबिलिटी ब्रेक सिस्टम में जो है A9 हैंडल न्यूट्रल में रखना है बोथ कैब। और वहीं CCB 2.0 यानी कि नॉन ब्रेक सिस्टम होगा तो उसमें A9 जो हैंडल है उसको क्या करना है, तो फुल सर्विस में कर देना है और लॉक कर देना है बोथ कैब में। और एक SA9 हैंडल है उसका भी स्थिति जान लेते हैं। तो SA9 जो हैंडल है ये रिलीज पोजीशन में रखना है, E70 ब्रेक सिस्टम हो या नॉन ब्रेक सिस्टम हो। यानी कि SA9 हैंडल जो है E70 ब्रेक सिस्टम वाले में बोथ कैब में रिलीज में होना चाहिए, या नॉन ब्रेक सिस्टम CCB 2.0 है उसमें भी SA9 हैंडल जो है बोथ कैब में रिलीज पोजीशन में होना चाहिए। और एक और आपको माइंड में आ रहा होगा कि MU2B यानी कि मोड स्विच जो है उसका क्या करेंगे, तो मोड स्विच जो है ओनली नॉन ब्रेक सिस्टम में होता है, इसमें नहीं है, नॉट प्रोवाइडेड E70 ब्रेक सिस्टम में, तो कुछ जरूरत ही नहीं है। और वहीं CCB 2.0 यानी कि नॉन ब्रेक सिस्टम में है तो इसमें बोथ कैब में आपको मोड स्विच को ट्रेल पोजीशन में रखना है, यानी कि बोथ कैब में ट्रेल पोजीशन में रखना है। इस प्रकार हम डेट बनाएंगे। अब हम लीडिंग लोको यानी कि आगे में लीडिंग मास्टर लोको में जाएंगे और एज पर प्रोसीजर उसको एनर्जाइज करेंगे। और ये फुल प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आप एक बार इंश्योर कर लीजिए कि बराबर ब्रेक अप्लाई एंड रिलीज हो रहा है या नहीं। तो इस प्रकार हम एमयू ट्रेल डेड यानी कि कोई भी थ्री फेज लोको को यानी कि मल्टी लोको है तो उसको हम ट्रेल बनाएंगे, यानी कि स्लैब लोको को डेड बनाएंगे। तो डेड बनाने का यही प्रोसीजर है, ये मात्र 5 मिनट में आप कर सकते हैं बिना कोई कंफ्यूजन। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हम इसको एमयू ट्रेल लोको यानी कि ट्रेलिंग लोको पीछे में जो भी है थ्री फेज लोको को यानी कि नॉन ब्रेक सिस्टम या E70 ब्रेक सिस्टम वाले उसको हम डेक बनाएंगे। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है और हम आगे बनाने का, आगे दूसरा नेक्स्ट कोई टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोचते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम वीडियो यानी कि हमारे चैनल पे वीडियो आते रहते हैं, जिससे कि आपको फायदा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।